और कोरोजन में भी रहेगा रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन होता है जब हम उनको एक्सपोज करते हैं उसको हम बोलते हैं कोरोजन। और यहाँ पे हमको डिस्कस करना है रस्टिंग ऑफ आयरन। एक्चुअली रस्टिंग ऑफ आयरन ये क्यों पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन है। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन समझते हैं आप, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली। अब इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन यानी कि ये एक तरह से सेल की तरह काम करता है, जैसे सेल नहीं होती, एनोड होता है, कैथोड होता है, तो इसी तरह से यहाँ पे होता है। ठीक है, अब ये समझ लो आपके पास कोई आयरन पीस है। अब यहाँ पे एक स्पॉट बन जाता है आपका एनोड, और दूसरा स्पॉट कहीं बन जाता है कैथोड। ठीक है, एक स्पॉट बन जाता है इसी कोई भी आयरन पीस में, एक स्पॉट बन जाता है एनोड, दूसरा स्पॉट बन जाता है कहीं भी उसके अंदर, उस पीस के अंदर कैथोड। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कब होता है? देखो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए आपके पास आयरन होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। अब ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है ये मिलके बेटा बना लेते हैं कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है इस तरह से, मतलब वीक है वैसे तो, ये हो गया कार्बोनिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन आयन हमको मिल गया। अब ये हाइड्रोजन आयन एक्चुअली रिक्वायर्ड है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हमको हाइड्रोजन आयन चाहिए। हाइड्रोजन आयन किस तरह से देते हैं ये मैंने यहाँ पे समझाया। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड वाटर में मॉइस्चर में डिकम्पोज होगा और वो देगा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये आपका रहा एनोड, या कहें इसको एनोडिक एरिया, और ये रहा आपका कैथोडिक एरिया जो आयरन पीस हमने यहाँ पे लिया था। ठीक है, तो अब जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन एट एनोडिक एरिया यानी कि एट एनोड जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? अब सारी अप्रोप्रिएट कंडीशन यहाँ पे है जो भी मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए रिक्वायर्ड है, तो एनोड पे एक रिएक्शन होगी जहां पे आपका आयरन यानी कि Fe ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2+ में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये बात मैंने बता दी कि भाई वाटर कार्बन डाइऑक्साइड आपके मिलके कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, और ये कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन पे ये हाइड्रोजन आयन देता है। क्यों हाइड्रोजन आयन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है कैथोडिक एरिया में उसको अगर हमें रिड्यूस करना है तो वहां पे हाइड्रोजन आयन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप समझ लो, ये हो गई रिएक्शन, और यहाँ पे आ गई 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओवरऑल क्या रिएक्शन होगी अब आप देख लो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे वाले रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अभी हमारे पास आ जाएगा ये। अब आप देख लो ये हुआ कि नहीं हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेटल के अंदर मूव करेंगे, इसलिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन है, और ये पहुंच जाएंगे कैथोडिक एरिया में। कैथोडिक एरिया में क्या है? देखो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन आयन भी है, सब कुछ है ना वहां पे अवेलेबल। जब तक एप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं होती तब तक तो रस्टिंग ऑफ आयरन पॉसिबल ही नहीं है, कोरोजन पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट कंडीशन है यानी कि ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन आयन भी है, और इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए एनोडिक एरिया से। तो अब
ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ये रिएक्शन और दूसरी ये रिएक्शन दोनों को कर लेंगे ऐड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो यहां पे आपको मिलेगा। और क्या चाहिए, फोर हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रहेंगे। आपको पता है ना भी रस्टिंग जब भी होती है या कोरोजन जब भी होता है तो कोरोजन के लिए ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है और मॉइस्चर भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन की। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब ये बना Fe2+ आयन, Fe2+ प्लस आयन में हमने अभी इसका कन्वर्जन दिखाया। अब क्या Fe2+ आयन का Fe3+ में कन्वर्जन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सारी अप्रोप्रिएट कंडीशन वहां पे हैं, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, सब कुछ वहां पे है, ठीक है ना। तो फिर ये Fe2+ जो यहाँ पे बना, ये Fe2+ का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, तभी तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पे हम दिखाएंगे रस्टिंग आयरन की। हाइड्रोजन आयन भी यहाँ पे है, अभी बैलेंस भी कर लेंगे, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में, ठीक है, Fe3+ में और किसमें, और हाइड्रोजन आयन, और इसी को हम लिखते हैं, इसी को सिंपली हम लिख सकते हैं Fe2O3, क्योंकि वाटर भी वहां पे है और वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, आयरन का हाइड्रेटेड ऑक्साइड। समझ गए ना आप क्वेश्चन को? चाहें तो आप बैलेंस कर लें, जैसे यहाँ Fe3+ है, अब आपको पूछोगे भाई ये ऑक्सीजन कहाँ गया, तो ये Fe3+ एक्चुअली क्या है, ये Fe2O3 है, ठीक है ना, ये Fe2O3 है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन, जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हमारा होता है।